सर्व कल्याणकारी संस्था ने 16वां वार्षिक समारोह सुजानपुर में धूमधाम के साथ मनाया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह रहे, तो कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष केपी सिंह ने की। वहीं कार्यक्रम के दौरान पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह सोडी, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी गुरकीत सिंह, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, युवा नेता अभिषेक राणा मौजूद रहे। मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कार्यक्रम में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें शॉल, टोपी व तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान 22 विभूतियों को शान ए हिंद, शान ए हिमाचल और हमीर गौरव अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सर्व कल्याणकारी संस्था की सराहना करते हुए बधाई दी और कहा कि संस्था ने समाज सेवा में अलग पहचान बनाई है। वहीं वीरभद्र सिंह ने धूमल पर हमला बोलते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सांसद अनुराग ठाकुर को भी अपने पिता की तरह आराम करना चाहिए और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से युवा चेहरे अभिषेक राणा को टिकट मिलना चाहिए। वीरभद्र सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि पहले पिता धूमल को राजेंद्र राणा ने हराकर घर बिठाया था, तो अब राणा के बेटे अभिषेक राणा अनुराग ठाकुर को हराकर घर में बिठाएंगे। के साथ है, आप सबके साथ है। कोई कसूर बात है ये नहीं करता, जो भी कहता हूँ हमेशा दिल से कहता हूँ कि वक्त आ गया है कि वह इनके सपुत्र को वो दो सभा का टिकट मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ इसमें किसी को ऐसा कोई है तो अभी ऐसा हो तो सबसे सोने पर सुहागा है। पिताजी को भी आराम करना चाहिए कुछ दिन के लिए, उनको तो हमेशा के लिए आराम करना चाहिए और भी कुछ समय के लिए आराम करना। हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अपने संबोधन में इशारों ही इशारों में ब्लॉक सुजानपुर को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि राजेंद्र राणा ने चुनाव कांग्रेस के चिन्ह पर जीता है और वे कांग्रेसी ही रहेंगे। साथ ही प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास करवाने में पूरी तरह नाकाम रही है और प्रदेश की कॉमर्शियल जमीन को कौड़ियों के भाव बेचने में लगी हुई है। किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये कांग्रेस के विधायक हैं और आगे जो भी होंगे कांग्रेस के ही होंगे। हाल इस सरकार का ये है कि शिमला में हाईकोर्ट का डंडा गिर गया था, 5 महीने तो डंडा लगाने को बना दिया आपने, वैसे लाइन में क्या बनाने। एक हाईकोर्ट जहां से चीफ जस्टिस जा रहे हैं, जहां से मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जहां से वीरभद्र सिंह जा रहे हैं, सारी दुनिया जा रही है, 5 महीने तक वो रास्ता बन रहा और कह रहे हैं कि हम 69 नेशनल हाईवे बनाएंगे। जुमा जुमा 4 महीने बाकी बचे हैं और अभी भी हम कहते हैं अगर आप में दम है तो कोई ज्वानी ज्वानी जो सेंक्शन होती है करवा लो। किस तरह से झूठ बोल के फ्रेम करके आपने हिमाचल प्रदेश की सत्ता हासिल की। अभी आपने देखा होगा बाबा रामदेव जो है उनका एनुअल टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए का है, 10,000 करोड़ रुपए का, और उनको सोलन में जमीन दी जा रही है,
93 बीघा जमीन जो है सोलर में कमर्शियल लैंड इन्होंने पिछले मंत्रिमंडल की बैठक में दे दी और दी कितने की, वीरभद्र सिंह सरकार ने फैसला किया था कि एक साल में 1,19,00,000 रुपया लेंगे जो पिछला मंत्रिमंडल था, तो 100 साल के लिए जमीन लेनी है तो 100 करोड़ रुपया देना पड़ेगा बाबा रामदेव को, और अगर फार्मू इकट्ठा पैसा देना है तो प्रदेश सरकार ने फार्मूला निकाला था 27 करोड़ रुपया, तो इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए में बाबा रामदेव को जमीन दे दी। हिमाचल की जमीन ऐसे औने-पौने दामों पे बेची जाएगी। अपने संबोधन के दौरान पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष केपी सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों के नजदीक आते ही फिर से राम मंदिर की याद उन्हें सताने लगी है और बीजेपी ने देश के लोगों को बांटने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही बाबा रामदेव को सबसे बड़ा व्यापारी बताते हुए कहा कि आज रामदेव के व्यापार को प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कहने पर ही हर जगह फल फूल रहा है। केंद्र में सरकार नहीं है इसलिए मंदिर नहीं बन रहा। आज देश के लोग पूछ रहे हैं केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, प्रचंड बहुमत है, क्या कारण है मंदिर के नाम पर आपकी राजनीति हो रही है। और मैं आज आपको बता करके जा रहा हूं कि अगले 2-3 महीने में मंदिर के नाम का ढिंढोरा आरएसएस पीटेगी, विश्व हिंदू परिषद पीटेगी, बजरंगदल पीटेगा, लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे, संत समाज को इस्तेमाल करेंगे, एक दफा देश की जनता को दूसरी बार बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। संसद या प्रधानमंत्री नहीं बनना है, राम देश को एमएलए या मिनिस्टर नहीं बनना है, लेकिन रामदेव जानते हैं कि अगर उन्होंने व्यापार करना है तो उस व्यापार के लिए सबसे साजगार वातावरण मोदी और अमित शाह दे सकते हैं, इससे बढ़िया वातावरण और किसी से मिल नहीं सकता। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपने हिमाचल की राजनीति को एक नई दिशा दी है और देश के लोग उसी रास्ते पे चलने के लिए बाध्य होंगे। देश के लोग जागरूक हो चुके हैं, इनको हिमाचल से भी जब समय आएगा चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इनको दिल्ली से चर्चा करना बड़ा लाजमी है। सर्व कल्याणकारी संस्था के चेयरमैन व सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि संस्था समाज सेवा काम कर रही है और 16वां समारोह मना रही है। उन्होंने कहा कि विरोधियों के द्वारा संस्था को काफी कुछ कहा जाता है लेकिन विरोधियों के पास कहने के सिवा और कुछ नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि विरोधी मुझे संस्था को निशाने पर नहीं रखते हैं, मुझे ताकत देते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। देखिए, ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है, 17 सालों से हम काम कर रहे हैं, 16वां कार्यक्रम है, लोगों का काम कहना है और हमारा काम सेवा करना है और ये सेवा का कारवां चलता रहेगा। ये हर वर्ष सर्व कल्याणकारी संस्था हमीर गौरव शाने हिमाचल और शाने हिंद अवार्ड से सम्मानित करती है और आज जहां खेल के क्षेत्र में जिन्होंने दुनिया में धूम मचाई है वो लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं, बल्कि पहुंच चुके हैं बहुत सारे लोग और फिल्मी जगत के लोग भी आ रहे हैं और समाज में अच्छा काम करने वाले समाज सेवक आ रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को सम्मानित किया जा रहा है और मुझे खुशी इस बात की, मैं धन्यवाद करता हूं इलाके वासियों का कि बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंचे हैं और पिछले जो रिकॉर्ड थे वो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। वहीं संस्था युवा विंग के अध्यक्ष अभिषेक राणा ने कहा कि संस्था ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के निशाने पर संस्था हमेशा रही है लेकिन फिर भी समाज सेवा में संस्था जुटी है और आगे भी रहेगी। वहीं टिकट के मामले पर अभिषेक राणा ने कहा कि पार्टी का जैसा आदेश होगा उन्हें सर्वमान्य होगा।
ये आप देख रहे हैं, आज बहुत सारे लोग जो हैं जो संस्था से जुड़े हुए हैं वो आज सारे यहाँ पर मौजूद हैं, और भी लोग आ ही रहे हैं, मुख्य अतिथि पहुँचने वाले हैं। और आज संस्था के द्वारा जिन लोगों ने समाज में कुछ अच्छा नाम रोशन किया है, प्रदेश का, देश का अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं हर वर्ष की तरह। और इस वर्ष भी जो है वो सर्व कल्याणकारी संस्था का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभिषेक, कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम पे विपक्ष की नजर रहती है और साथ ही साथ अपनी पार्टी जो आती है, खुद की पार्टी कांग्रेस है, उनकी भी काफी ज्यादा नजरें हैं, क्या कहेंगे? कुछ लोगों को समाज सेवा से, गरीब लोगों का भला करने से तकलीफ हो रही है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि परमात्मा उन लोगों को सद्बुद्धि दे और वो अच्छी सोच रखें। कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम है इसमें सोचा जा रहा है कि आप अपनी दावेदारी भी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, आपके चीफ गेस्ट हैं, उनके सामने दावेदारी भी पेश होगी? नहीं, पिछली बार भी आए थे, ऐसे दावेदारी वाली बात नहीं, हर वर्ष कार्यक्रम होता है, ये लोग अपनी अपनी स्पेकुलेशंस लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जैसे कार्यक्रम चल रहा है वैसे ही चलेगा। लगता है कि उम्मीदें हैं आपको कि आप इस बार लोकसभा के चुनाव में आ सकते हैं? मैंने तो कई बार कहा है कि एक पार्टी का काम करता है, आगे भी करता रहूंगा, जैसे पार्टी का देश होगा हम साथ में।